नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। पाकिस्तान जो आतंक फैलाने में नंबर वन है, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने में नंबर वन है, लेकिन अगर बात इसकी अर्थव्यवस्था की जाए तो ये नंबर भी डगमगाने लगते हैं। इस वक्त पाक सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसका हल अब इमरान खान ने निकाल लिया है। ऐसा हल जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान अब गधे बेचकर देश की अर्थव्यवस्था को लाइन पर लाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये पाकिस्तान का मास्टर प्लान है जो शायद ही कोई देश फॉलो करता है। पाक के लिए गधा एक फायदेमंद जानवर बन चुका है। पिछले कई सालों में यहाँ इंसानी गधों के साथ साथ जानवर वाले गधों की संख्या में भी गजब बढ़ोतरी हुई और अब देश में भुखमरी के हालात हैं, तो आर्थिक तंगी से निकलने के लिए पाक गधों की इसी बड़ी संख्या को भुनाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार ने बादिन जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गधों के मेले का आयोजन किया है। इस मेले का लक्ष्य है बड़ी संख्या में गधों को बेचकर पैसे कमाना। पाकिस्तान में लगा ये गधों का मेला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुका है, क्योंकि इस मेले में आपको गधों की काफी सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। सफेद, पीले, भूरे, काले, लाल, हर रंग के गधे आपको यहाँ मिल जाएंगे। मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मेले में बिकने वाले तमाम गधों के नायाब नाम है। नाम वैसे ही है पाक के इरादों जैसे AK-47, F-16, एटम बम, रॉकेट लॉन्चर, दिल पसंद अफरीदी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक ये पूरा मेला लगभग 4 एकड़ इलाके में लगा है। इस मेले में 20,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक के गधे मिल रहे हैं। कुछ ग्राहकों ने बताया कि इस मेले को बड़े शहरों में लगाना चाहिए था, इतने अच्छे गधे यहाँ के हैं, लेकिन हमें यहाँ आने में परेशानी होती है। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। बता दें कि पाकिस्तान ने 2017 में गधा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस वक्त इस कार्यक्रम में अच्छा खासा निवेश किया गया था। उस वक्त ये निवेश खैबर पख्तूनख्वा में चीन के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था, लेकिन क्या पता था कि ये कार्यक्रम पाक की डूबती नैया को पार करने में मदद करेगा। पाकिस्तान के पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक गधे के निर्यात से मिलने वाली आय यहाँ के GDP का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान काफी पहले से ही चीन समेत कई देशों को गधों का निर्यात करता आ रहा है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गधों के निर्यात पर जोर दिया है। तो आपको पाकिस्तान का ये मास्टर प्लान कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।